वेलकम फ्रेंड टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर चॉइस ट्विटर। सो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे एलसी ऑक्सीलरेटर क्या होता है। इसका दूसरा नाम भी है एलसी टैंक। सो फ्रेंड, एन ऑक्सीलरेटर यूजेस पॉजिटिव फीडबैक एंड जनरेट एन आउटपुट फ्रिक्वेंसी विदाउट यूजिंग एन इनपुट सिग्नल। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी नॉर्मल ऑक्सीलरेटर होता है वो पॉजिटिव फीडबैक यूज करता है और एक जनरेट करता है फ्रिक्वेंसी। सारे ऑक्सीलरेटर एक फ्रिक्वेंसी जनरेट करते हैं विदाउट यूजिंग एन इनपुट सिग्नल। एक बार हम इनपुट सिग्नल दे देते हैं उसके बाद वो कंटिन्यूसली वो फ्रिक्वेंसी जनरेट करते रहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ सपोर्टिंग सर्किट। इसको और क्या कहा जाता है? सेल्फ सपोर्टिंग सर्किट। हम लोग इसके डायग्राम और वर्किंग में देखेंगे क्यों उसको कहा जाता है सेल्फ सपोर्टिंग सर्किट। इन ए एल सी ऑक्सीलरेटर ए टैंक सर्किट यूज। टैंक सर्किट का मतलब क्या है? एल और सी मीन्स इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज करके हम लोग एक ऑक्सीलरेटर बनाएंगे, ठीक है। इट इज यूज टू गिव द रिक्वायर्ड पॉजिटिव फीडबैक फॉर मेंटेनिंग एन ऑक्सीलेशन। पॉजिटिव फीडबैक यूज करके एक मेंटेन करेंगे हम लोग रेगुलर ऑक्सीलेशन, ठीक है। ऑक्सीलेशन हम लोग मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो आइए इसकी वर्किंग देखते हैं किस तरह से एलसी टैंक आपका वर्क करता है। सपोज फ्रेंड, यहाँ पे हमने दो एलिमेंट लगाया है एल और सी, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये बोथ जो एलिमेंट है अपना, ये क्या है? चार्ज स्टोर करते हैं, ओके। जो कैपेसिटर है, जो एनर्जी किस तरह से स्टोर करते हैं? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड जो इंडक्टर है वो एनर्जी स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने जो एल और सी लगाया है वो दोनों एक पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाया है और एक भी सोर्स से हम इसको कनेक्ट कर दिया है। तो देखते हैं फ्रेंड, यहाँ हमने ये डायग्राम में पहले स्विच ए से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा स्विच ए और बी है, ठीक है। पहले स्विच ए से कनेक्ट करते हैं। स्विच ए से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जो हमारा कैपेसिटर सी है वो स्टार्ट होंगे चार्जिंग, ओके। कैपेसिटर सी जो होंगे वो स्टार्ट होंगे चार्जिंग और ये फुल्ली चार्ज्ड हो जाएंगे, ओके। आफ्टर डेट क्या करेंगे? स्विच ए से डिस्कनेक्ट करके स्विच बी से हम कनेक्ट करते हैं इस सर्किट को। उसके बाद क्या होगा कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज तो अब हो गई अपनी। अब क्या होगा कि ये इंडक्टर यहाँ प्रेजेंट है पैरेलल में, तो ये क्या होगा कि स्टार्ट टू डिस्चार्जिंग होने लगेंगे, ठीक है। तो इसकी जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ये कुछ इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज में ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और थ्रू इंडक्टर एल ये क्या होगा डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगा। और जैसे ही इंडक्टर एल के थ्रू पास होंगे क्या होगा, इंडक्टर जो एल था अपना वो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड अपने अक्रॉस बिल्ड करना स्टार्ट कर देगा। मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड तो हो गया, उसके बाद क्या होता है कि कैपेसिटर अब धीरे धीरे करते करते फुल्ली डिस्चार्ज हो जाती है। कैपेसिटर अगर फुल्ली डिस्चार्ज हो गई तो अब जो हाईएस्ट मैग्नेटिक फील्ड अक्रॉस द इंडक्टर प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होता है कि जब पूरा एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे कैपेसिटर अपना फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, अब क्या होगा एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा कि ये कैपेसिटर फिर से चार्ज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये करंट का फ्लो जस्ट इसके क्लॉकवाइज में स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और थ्रू इंडक्टर एल ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटर धीरे धीरे तब तक चार्ज होगा जब तक ये इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड जो था, इंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा कोलैप्स ना हो जाए। ये जो प्रोसेस है चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैपेसिटर की, ये कंटिन्यूसली रिपीटेड होते रहते हैं, ओके। और यही हमारा क्या करते हैं, एक आपको आउटपुट फ्रीक्वेंसी जनरेट करके देता है। तो हमने देखा कि एक बार सोर्स कनेक्ट करने के बाद ये खुद अपने से वर्क कर रहा है, तो इसलिए हम लोग खुद इसको क्या कहते हैं, दूसरा नाम सेल्फ सपोर्टिंग सर्किट कहा जाता है इसलिए इसको, ओके। तो ये केस वन में हमने क्या देखा कि सर्किट पहले स्विच हम लोग ए से कनेक्ट किए, स्विच ए से कनेक्ट किया, ठीक है। स्विच ए से कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि ये कैपेसिटर जो था, कैपेसिटर अपना फुल्ली चार्ज हो गया, ओके, फुल्ली चार्ज हो गया, ओके, ठीक है। फुल्ली चार्ज होने के बाद क्या हुआ कि ये इंडक्टर एल से ये डिस्चार्ज होने लगा, स्टार्ट टू डिस्चार्ज, ओके, स्टार्ट टू डिस्चार्ज। और अक्रॉस इंडक्टर एल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है अपनी फ्रेंड? एल डीआई अपॉन डीटी होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना के मैं दिखाता हूँ आपको कि कैसे होता है। देखिए फ्रेंड, ये ग्राफ है आपकी, ये टाइम है और ये आपकी वोल्टेज है, ओके।
तो ये जो पॉजिटिव हमने देखा कि ये पॉजिटिव थी, ये जो एंटी क्लॉकवाइज में थी ये पॉजिटिव करंट फ्लो हो रही थी, तो हमें एक पॉजिटिव एम्पलीट्यूड देगा। ओके, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दिया और यहाँ पे आके ये कैपेसिटर अपना जो है ये पॉइंट पे आके कैपेसिटर अपना डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया। ओके, अब केस टू देखते हैं कि इंडक्टर एल तो अभी मैग्नेटिक फील्ड उसके पास पूरा आ गया, अब ये कोलैप्स होंगे मीन्स वैक्यूम में प्रोड्यूस होंगे और इसकी ग्राफ किस तरह से बनेगी। केस टू में क्या होगा, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ओके, बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, इंडक्टर जो एल थी वो कोलैप्स्ड हो जाएंगे। ओके, इंडक्टर एल कोलैप्स्ड हो जाएगा और जो कैपेसिटर थी, कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग। ओके, स्टार्ट चार्जिंग, ठीक है। तो इसकी ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगी, सेम वैसे प्लॉट करेंगे हम बी और टी के अगेंस्ट। तो हमने देखा कि पॉजिटिव यहां तक आ गया था जब तक कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज ना हो जाए, फिर डिस्चार्ज होने के बाद क्या हुआ, स्टार्ट टू चार्ज हुआ, ठीक है। और स्टार्ट टू चार्ज होने के बाद ये इस तरह का ग्राफ बनाया। ओके, जब तक ये फुल्ली चार्ज यहां ना हो जाए, ये फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। ओके, तो हमने देखा तो वहां पे क्यों पॉजिटिव साइन थी एल डी आई वाई डी टी, यहां पे नेगेटिव साइन हुई इसके लिए। ओके, क्योंकि ये बैक साइड से हो रहा है मीन्स मतलब बैकवर्ड हो रहा है। ओके, अब देखते हैं कुछ आइडियल केस होती है ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस होने की। देखिए आइडियल केस में क्या है कि जो हमारा जो एम्पलीट्यूड था, ये वोल्टेज एम्पलीट्यूड, ये कांस्टेंट मिल रहा है हमें, ठीक है, कांस्टेंट मिल रहा है एवरी पॉइंट पे, ठीक है, एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट मिल रहा है हमें। बट आइडियली ऐसा होता नहीं है, ड्यू टू सम लीकेज, कुछ ऐसा लीकेज होता है जिसके कारण क्या होते हैं कि कुछ अमाउंट हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि प्रैक्टिकली देखते हैं कि हमारे रिटर्डेशन होने लगता है इसके एम्पलीट्यूड में। ओके, देखिए ये फर्स्ट यहाँ एम्पलीट्यूड था, कुछ धीरे धीरे रिग्रेट हो गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इसको कहते हैं, ठीक है। ये आपके इस तरह से ग्राफ बनेंगी और ये डैम्प्ड ऑक्सीलेशन इसको कहा जाता है, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, ठीक है, ये प्रैक्टिकल केस में होता है। ओके, नाउ इसकी वर्किंग कंप्लीट हुई फ्रेंड। अब हम इसके देखते हैं कुछ यूजेस कि कहाँ ये एलसी ऑक्सीलेटर या एलसी टैंक कहाँ कहाँ यूज होते हैं। देखिए इट इज यूज इन ट्यूनिंग, मैं बताया था आपको कि ये ट्यूनिंग में यूज होता है। पर्टिकुलर कहाँ पे यूज होता है ट्यूनिंग में, जैसे आपने देखा होगा कि आपको कोई पर्टिकुलर स्टेशन की आपको ट्यूनिंग चाहिए, जैसे रेडियो मिर्ची 98.3 FM की ट्यूनिंग चाहिए, तो उस पर्टिकुलर बैंडविथ की हम यहाँ पे सिग्नल ये हमें जनरेट करके आउटपुट पे देगा। ओके, इट ऑल्सो प्रोवाइड करेंट मैग्निफिकेशन, करेंट मैग्निफिकेशन अगर हमें यूज करना हो कहीं तो इसके लिए भी हम एलसी टैंक का यूज करते हैं। कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, हमने देखा कि कॉन्टेजन कैसे कॉन्स्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर के जैसे काम करता है कि एक एल और सी में ही ये हमेशा रह जाता है इसका ऑक्सीलेशन, और ये कभी कभी डिफेंस और मोबाइल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। थैंक्स फ्रेंड, आपको ये अच्छा लगा वीडियो, होप यू एन्जॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।